स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट या फिर कह सकते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट को शुरू करने से पहले हम लोग एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ आज शुरू करने वाले हैं। तो एक किसी ने बहुत सही लाइन बोली है जो मैं पढ़ रहा था और आगे सामने मेरे, दैट फर्स्ट दे लाफ एंड देन दे कॉपी। पहले वो क्या करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, फिर आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे। बट कब ऐसा होगा, जब आप अपने वर्क को लेकर पूरा डेडिकेटेड रहेंगे। डेडिकेटेड मीन्स क्या होता है, डिसिप्लिन रहेंगे। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि जो आपको काम करना है वो आप काम डेली कर रहे हैं, मतलब प्रायोरिटी किसको बना रहे हैं आप, वो आपको डिसिप्लिन में ले आता है। सपोज कि अगर आप क्रिकेट को प्रायोरिटी बनाते हैं तो क्रिकेट में आप डिसिप्लिन होंगे, क्रिकेट में आप अच्छा करेंगे और क्रिकेट में आप आगे जाएंगे। बट यू हैव टू डेली प्ले क्रिकेट, ओके, मतलब आपको डेली क्रिकेट खेलना पड़ेगा। सिमिलरली यही रूल हर जगह फॉलो होता है। अगर आपका इस टाइम अगर गोल है कि हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आने हैं, तो यू मस्ट हैव टू मेड योर बोर्ड एग्जाम प्रायोरिटी, है ना। प्राथमिकता का ही खेल है, सारा खेल प्राथमिकता का ही। इट मीन्स प्राथमिकता मतलब आपको कितना भी तबीयत खराब है, कोई भी समस्या है, पर आप क्रिकेट खेलने जरूर जाते हैं ग्राउंड तक। वैसे ही अगर आपको समस्या है फिर भी आप टेबल पे जरूर बैठेंगे, क्योंकि वही आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी अपनी पहचाननी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। वास्तव में आपको गाना सुनना प्रायोरिटी है, आपको सीरीज देखना प्रायोरिटी है, आपको मूवी देखना प्रायोरिटी है, आपको वर्ल्ड कप देखना प्रायोरिटी है, या फिर आपको पढ़ना प्रायोरिटी है। लुक, ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहा है इस टाइम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये अभी एग्जाम से दो, मतलब अभी नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, चार महीने बचे हुए, चार महीने को आप मान लीजिए तीन महीने, ठीक है। अभी गर्मी खत्म हुई है और ठंडी स्टार्ट हुई है, इसके बीच में ना बहुत ही सुकून वाला टाइम है। इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी ना आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, बैठ के आराम से तीन चार घंटा आहिस्ते से पढ़ सकते हैं। और उसको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपका जो ये माइंड है ना, बहुत ही गुड रीडर है, है ना। गुड रीडर मतलब क्या, कि मतलब आप जिस पोस्चर में जो भी काम करते हैं ना, वैसे ये पसंद करता है उसी पोस्चर में काम करना, ठीक है। जैसे आप सो के अगर पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये चाहेगा सो के पढ़ना, ठीक है। आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमेशा चाहेगा बैठ के पढ़ना। वैसे ही अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मुझे इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, उसे एग्जामिनेशन हॉल में। आपको कितना आता है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द कॉपी। तो आपको अगर इसको कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पहले उसको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। उसको दिमाग में कैसे लाएंगे, जब आप बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको बैठ के एग्जाम देना है। तो ये अगर आपका दिमाग है उसको लेट के पढ़ने की आदत रहेगी, तो यही पैदा करता है कि आपके दिमाग में एग्जामिनेशन एग्जाइटी। आपने सुना होगा कि एग्जाम में मुझे एग्जाइटी हो जाता है सर, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये इसी वजह से होता है, क्योंकि आप अपना पोस्चर नहीं सुधारते हैं, है ना। आप अपने पोस्चर को सुधारते कि आपका रिजल्ट 20% बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को आदत होती है किसी चीज़ की करने की, और जब हम उसके विपरीत कोई काम करते हैं तो फिर वो एग्जाइटी हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर सब कहते हैं सर ये किए रहते तो ऐसा हो जाता, वो किए रहते तो ऐसा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आराम से तीन घंटे तक बैठना। पहले तो आप तीन घंटे तक बैठना सीखिए। कई बच्चे तीन घंटे बैठने की आदत ही नहीं होती है। जब तीन घंटा हो जाता है, लगभग दो घंटा होगा ना, तो उनको चुल मचती है क्या कि चलो जो आ रहा है नहीं आ रहा है बंद करो पेपर चलो, वो तीन घंटा बैठ ही नहीं पाते। तो सबसे तो पहले आप तीन घंटा बैठना शुरू करिए। तीन घंटे से पहले उठना ही नहीं है, चाहे कोई भी जरूरी काम हो, बिल्कुल आपको ये मान के चलना है कि ये तीन घंटा ये मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, इसको मुझे पूरा फुल यूटिलाइज करना है। तो तीन घंटा पहले अपने बैठने की आदत डालिए, उसके बाद फिर उसको धीरे 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 स्टडी में कन्वर्ट करिए। और जैसे ही आप देखेंगे 20-25 दिन आप ऐसा करने लगेंगे, तो उसके बाद फिर आप हैबिट चल जाएंगे। और अभी नहीं हैबिट डालेंगे तो कभी डालेंगे भाई। अभी जैसे ही आपका ये महीना दो महीना ये महीना बीतने वाला, उसके बाद छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद आप सोचेंगे हम ऐसे तैयारी करें वैसे तैयारी करें, इधर उधर उलझे रहेंगे। अभी आपके रिविजन करने का टाइम है, अभी जो आपका चैप्टर नहीं कम्प्लीट है उसको करने का टाइम है। तो पहले बैठने की आदत डाल लीजिए ना। पहले बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, तो उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल में, ताकि वहाँ जाके बैठना है उसको, ठीक है, ताकि प्राइवेट स्कूल में जाके उससे बैठाना पड़े। तो चलिए इन्हीं बातों को लेके और हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो है स्टैटिक्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था, और उसी मीन में वो क्रम को आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। और उसमें हम लोग मोड को आज पढ़ेंगे और मीडियन को भी आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ मीन का, जो अनग्रुप डाटा का ही है, जिसमें जो डाटा था ना, इसमें डिसकंटिन्यूअस डाटा का भी कुछ क्वेश्चन है और कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस डाटा तो हम लोग कर लेते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस डाटा का क्वेश्चन है, इसको बता के फिर हम लोग मोड पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऐसे
क्वेश्चन को तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ द मैंगोस केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। तो ये नंबर ऑफ मैंगोस हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ये हमारे क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं F5, ठीक। और ये हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, जो क्लास इंटरवल हो गया, तो यहां से हम लोग XI फाइंड कर लेंगे। और XI तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे, फिर हम लोग को और क्या फाइंड करना रहेगा। पहले तो ये देखिए, ये डिसकंटीन्यूअस डाटा है। कैसा डाटा है, डिसकंटीन्यूअस है, मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं है। कंटीन्यूअस कैसा होता था, ऐसा होता 5 to 10, फिर यहाँ से 10 to 15 होता था, है ना, फिर 15 to 20 होता था, ऐसा हम लोग क्लास इंटरवल होता था। तो ऐसे डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस डाटा। बट यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यू हो गया, देखिए यहाँ पे 50 to 52 है, और यहाँ पे क्या हो गया 53 से 55 शुरू हुआ है, यहाँ 52 to 55 नहीं शुरू हुआ है, यहाँ 53 से 55 शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि इसको पहले हम लोग को कंटीन्यूअस बनाना होगा, क्या करना होगा, कंटीन्यूअस बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कंटीन्यूअस पहले बनाते हैं, और उसको बनाने से पहले इसको हम लोग कर लिया जाए इसका एक्स आई क्या होगा। तो 50 और 52 के बीच में क्या आएगा, 51 आएगा ना, 53 और 50, चलिए पहले इसको हम लोग कर लेते हैं ये। तो अब देखिए कंटिन्यूअस बनाने के लिए तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से -0.5 करते हैं और अपर लिमिट में +0.5 करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट में -0.5 और अपर लिमिट में +0.5। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लें, एक्स आई पहले तो निकाल लें। तो यहां से एक्स आई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 51 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। ये यूज करते हैं तो एक एज्यूम मीन क्या एज्यूम कर लेंगे, 57। तो इसका हम लोग मीन एज्यूम कर लेते हैं क्या, 57। अभी मीन एज्यूम कर लिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, क्या होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है आपका, ये सारे नंबर है, और ये क्या माने हम लोग, 57 को माने। तो जब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो 51 में से माइनस 57 करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। वहीं पर जब 54 में से -57 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। 57 माइनस 57 जीरो, फिर 3, फिर 6, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये डेविएशन आ गया। अब यही डी से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, एफ आई डी आई, क्या फाइंड कर लेते हैं, एफ आई और डी आई। तो आई हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एफ आई डी आई में क्या है, तो एफ आई हम लोग का क्या है 15 है यहाँ पे, और डी आई क्या है ये, ठीक। तो आई हम लोग इसमें रहते हैं। अब देखिए 56 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 105। तो ये क्या हो गया वर्क, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ आई डी आई वर्क फाइंड कर रहे हैं। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, -330। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 कैरी 1, और 3 1 3 1 4, और 3 1 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 6 का इसमें करेंगे तो 25 6 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए अगर हम लोग इसको ऐड भी कर लिया जाए तो यहां से 330 तो चला गया, क्या बच गया यहाँ पे 15 बच गया, और 15 अगर इसमें से चला गया तो 90 बच गया, 90 अगर इसमें से हम लोग गायब कर देते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं 5, और क्या हो जाएगा 3 और 4, -430, और ये क्या हो गया 594। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 में 5 चला गया, 9 में से 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6, और ये तो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 60 बच गया, कितना बच गया 60 बच गया। और इसको हम लोग एफ आई को समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो कितना आएगा, ये 400 तो आएगा। ये क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ क्या हो गया, एफ आई डी आई। एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हो गया, ये हो गया 435, और ये हो गया आपका 594, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर दिए तो 5 में 5 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, और 4 में 4 जाएगा 0, तो हो गया हम लोग का 60, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, और ये अब हम लोग मीन निकालेंगे, तो एक्स आई क्या होता है, ए प्लस
समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ए क्या हो गया हम लोग का, ए की वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए हैं 57, क्या एज्यूम किए हैं 57, तो ये हो गया आपका 57 प्लस उसके बाद एफ आई डी आई क्या है हम लोग का 60 है और एफ आई क्या आया सम ऑफ समेशन ऑफ एफ आई क्या है 400 है। ठीक है तो यहाँ से 10 से 10 गया, यहाँ पे क्या बच गया 3/20, क्या बच गया 3/20 और 3/20 से को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 बढ़ा है 20 क्या आया यहाँ पे 0 110। ठीक है पॉइंट लगा 0 बढ़ा और ये क्या हो गया 5, तो 25 100। ठीक है तो क्या गया 0.5, तो एक्स आई इसको क्या हो गया 57 + 0.15 और आंसर क्या हो गया 57.15। तो ये हमारा क्या हो गया मीन हो गया किसका, इस किसका मैंगोस का जो पैक किए हैं बॉक्सेस। तो हम लोग ऐसे इस कंटिन्यूअस डाटा का भी मीन फाइंड कर लेंगे। चलिए इसको नोट करिए फिर हम लोग शुरू करते हैं मोड के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मोड क्या होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो मोड को मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ऐसे का इक्विवेलेंट होता है मोड। ठीक है तो मतलब फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मोड। तो अगर हम लोग को मोड यहाँ पे देखिए बात किसकी किसकी हुई है, मॉडल क्लास की बात हुई है, किसकी बात हुई है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास क्या है जिसमें जिस जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है 8 की है, तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा 3-5, ये क्या हो जाएगा आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं किसकी एल की है ना, तो एल क्या लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, क्या लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको पता है, लोअर लिमिट इसको कहते हैं अपर लिमिट इसको कहते हैं, लोअर लिमिट इसको अपर लिमिट इसको। तो हमको किसका लोअर लिमिट पता करना है मॉडल क्लास का, तो मॉडल क्लास कौन है 3-5 है, तो यहाँ पे हमारा L क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है फिर वही पे हम लोग बात करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी, फिर हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, हाइट मतलब कितना बड़ा है कितना साइज कितना आपके क्लास इंटरवल का। तो साइज क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो हाइट ऑफ द कितना हो गया आपका 2, मॉडल क्लास का हाइट कितना हो गया 2 हो गया। फिर एफ नॉट, अब देखिए एफ नॉट इसको एफ जीरो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये अगर अगर एफ वन है ये देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं एफ वन क्या होता है, तो फिर एफ वन क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ही है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 8 हो गया है ना, तो एफ वन कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है तो 1 के पहले क्या आता है 0 आता है, तो इसको हम बोलते हैं एफ नॉट या एफ जीरो है ना, तो एफ जीरो क्या हो जाएगा आपका, तो फ्रीक्वेंसी के मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है और F2 क्या हो जाएगा इसके बाद वाला, ये अगर F1 है तो ये क्या हो जाएगा F0 और ये क्या हो जाएगा F2। ठीक है तो F2 क्या हो जाएगा आपका F2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, F2 कितना हो गया 2 हो गया। अगर F2 2 हो गया तो हमारे पास देखिए 5 वैल्यूज आ गए और इसको हम लोग पुट करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ द गिवन डाटा है ना L, L कितना है 3 है इन ब्रैकेट और यहां पर देखिए प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, तो ये एफ वन क्या है आपका 8 है और एफ जीरो क्या है 7 है। उसके बाद क्या है 2 एफ वन मतलब क्या हो जाएगा एफ वन आपका क्या है यहां पे, तो 8 2 16। उसके बाद माइनस एफ नॉट क्या है 7 है, उसके बाद माइनस एफ टू क्या है आपका -2, उसके बाद क्या है इनटू एच है, एच क्या है हमारा 2 है, एच क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो इस अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ऐसे हो जाएगा ये हो जाएगा 3+1/, ये देखिए 7 2 9 हो गया और 9 को इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 7 × क्या हो जाएगा यहाँ पे एच कितना है 2 है, एच भी 2 है, तो ये क्या हो गया 3+2/2
सेवन, इसको सॉल्व, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 + 2/7, 2/7 पर अगर हम लोग सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पे 7 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 × 7 = 14 और क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे फिर तो 7 × 8 = 56, 4 और 2 और 4 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 × 5 = 35 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ऐसे ही होता चला जाएगा, तो 285 हो गया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 3.285, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मोड हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मोड वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये अप्रोच आएगा हम लोग का। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे जरूरी बात इसमें कि एच क्या है, एल क्या है, तो एल हमको पता चाहिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, किसका, मॉडल क्लास का, तो मॉडल क्लास क्या होगा, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसका क्लास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं, लोअर लिमिट इसको बोलेंगे, मॉडल पहले वाले नंबर को और बाद वाले नंबर को क्या बोलेंगे, अपर का। एफ वन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, 8 है, ये क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जो प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो इसके पहले मॉडल क्लास कौन है, मॉडल क्लास के पहले कौन है, तो ये 7 है और मॉडल क्लास के बाद कौन है, 2 है, तो ये F1 F2 हो गया। इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे बेसिक कैलकुलेशन। आई होप ये आपको समझ में आया है, ये वीडियो आपको समझ में आया है, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये इसमें कितना एफर्ट लग रहा है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और यही हमको मोटिवेशन देता है ये वीडियो बनाने के लिए। तो फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो क्या है, एक टॉपिक बच गया स्टैटिक्स में मीडियन, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।